शांति। हम सभी ने बहुत सुंदर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का महत्व भारत में तो देखा कि किस तरह निराकार स्वरूप में ज्योतिर्लिंगम के रूप में उसकी प्रतिमा रख करके हम सभी भारतवासी उसकी पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि पर विशेष उसकी पूजा भी होती है, लेकिन क्या वही मान्यता सभी धर्मों में भी है? क्योंकि कसौटी के हिसाब से तो सर्व धर्म मान्य वो एक ही होना चाहिए। तो भारत में जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम के रूप में माना, पूजा, सभी देवों के देव के रूप में देखा, इस्लाम धर्म में अगर देखा जाए तो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो कहा जाता है कि मक्का के अंदर काबा का पवित्र पत्थर है जिसका नाम है संगे अस्वद, और उसी को वो अल्लाह मानते हैं। इस पवित्र पत्थर के पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि मक्का के अंदर पहले 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी जिनको वो अपना अपना अल्लाह मानते थे, इष्ट मानते थे। परंतु जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है। काफी मतभेद हुआ। उसके बाद कहा जाता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब को मदीना भेज दिया गया कि आप वहां जाकर ये प्रचार करो, यहां नहीं। वहां जाकर के भी उन्होंने यही प्रचार किया, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। धीरे धीरे लोग उस विचारधारा से जुड़ते गए और जब काफी मात्रा में हो गए तब पुनः मक्का आए और अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा भी हुआ, मतभेद भी हुआ, लेकिन फिर कहा जाता है आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इसी स्वरूप में याद करो। और ऊपर से ये पवित्र पत्थर गिरा था और मोहम्मद पैगंबर साहब ने उसकी स्थापना की। तब से लेकर के यही मान्यता हुई कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। और इसीलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलने लगी। हर साल हजारों लोग सारे विश्व से जाते हैं इस पवित्र पत्थर के दर्शन के लिए। लेकिन कहा जाता है हज में भी हर कोई नहीं जा सकता है, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं। लेकिन जो हज में जाता है वो क्या करता है? तो कहा जाता है कि जो हज में जाता है वो अपने पापों को प्रायश्चित करता है, उसके बाद शैतान को पत्थर मारता है, ये पवित्र पत्थर को चूमता है, 7 बार उसकी परिक्रमा करता है। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और कोई मस्जिद में नहीं होती है। और ये परिक्रमा करने के बाद अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है। और वो लाइन है, हे परवरदिगार नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो। तब उनका हज कबूल होता है। ये जब कहते हैं हे परवरदिगार, उस परमेश्वर को एड्रेस करते हैं, नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर माना तेज, प्रकाश। ज्योति माना तेज, प्रकाश, जिसको हिंदू धर्म में ज्योति कहा, इस्लाम धर्म में उसको नूर कहा। बात तो एक ही है, नूर कहो या ज्योति कहो। और आगे जाए, यहूदियों में कहा जाता कि मोसेस जब माउंटेन पर गए तब उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले
और उस समय उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। और जब उन्हें ये 10 कमांडमेंट्स मिलते हैं, तब मोसेस ने उस प्रकाश से पूछा कि अगर मैं नीचे जाकर लोगों से कहूं कि ये 10 कमांडमेंट्स मुझे किसने दिए, तो मैं आपको किस नाम से संबोधित करूं? तब उस प्रकाश ने कहा, यहोवा, यानी द सुप्रीम लाइट। इसलिए जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं उसका बेटा हूं। आज भी वेटिकन चले जाओ तो वेटिकन के अंदर, जो क्रिश्चियन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, जहां पोप की गद्दी है, उस वेटिकन के अंदर हमें किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलती है, लेकिन अखंड ज्योति का निराकार लाइट स्वरूप का सिंबल मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, जिसको मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात तो एक ही है। और आगे जाए तो कहा जाता है कि गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई है, एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अजोनी अकाल मूरत सच्चा पातशाह, उसको ही कहा, जो निराकार है निर्वैर है वही एक सत्य नाम है, जिसको काल कभी खा नहीं सकता है, अकाल मूरत है। और इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी, इतनी सुंदर महिमा, इतनी स्पष्ट महिमा और किसी ने नहीं किया जितना स्पष्ट गुरु नानक देव ने उसकी महिमा गाई है। और आगे जाए, जैन धर्म में कहा जाता है 24 तीर्थंकर है, आदि देव से लेकर के महावीर तक, और ये 24 के 24 तीर्थंकर सभी ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान करते हैं ये 24 तीर्थंकरों को? देव की उपाधि दी है, परमात्मा की नहीं। वो सभी भी ध्यान मुद्रा में है, किसका ध्यान करते हैं? तो कहते सिद्ध शिला का ध्यान करते हैं, सिद्ध शिलापति, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च शक्ति है। आज भी जैनी लोग दिवाली के दिन जब महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं, उस वक्त अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया वो गति हमें भी प्राप्त हो। ये शिव धाम कौन सा है? और उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने के लिए 3 बातें बताते, ज्ञान दर्शन चरित्र। चरित्र बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए, ज्ञान के दिव्य चक्षु खुलने चाहिए, और दर्शन शास्त्र में जो बातें बताई है वो आचरण में अवश्य होनी चाहिए, तब उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकते, और यही उनकी सच्ची तपस्या है। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कोई मूर्ति पूजा नहीं कराई, लेकिन वो स्वयं भी ध्यान मुद्रा में है, किसका ध्यान करते हैं? आज भी जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखते हैं, बिल्कुल शिवलिंग आकार का होता है, जिसको कहते करनी का पवित्र पत्थर, जिसका नाम है चिंकुन शेकी, कि जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। और उसी को ही ईश्वर का स्वरूप माना, बाकी
महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा में किसी को इन्वॉल्व नहीं किया या उसके लिए प्रेरित नहीं किया, ध्यान के लिए जरूर प्रेरित किया है। और आगे जाए तो कहा जाता है कि पारसी धर्म में, पारसी जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनकी जब नई अज्ञारी स्थापन होती है तो जलती हुई ज्योत का एक टुकड़ा ले जाकर के वहां स्थापित कर देते हैं। इसीलिए उसको फायर टेंपल कहते हैं, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती ही रहती है, अखंड ज्योति स्वरूप। तो सर्वधर्म मान्य कौन है? नाम भले हरेक ने अलग अलग लिया हो, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु का, मालिक कहा, साईं बाबा ने यही कहा, सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, सबका मालिक एक। उसी मालिक के तरफ जाने के लिए इशारा किया, उसी को याद करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अफसोस, उनके संदेश को हम सभी समझ नहीं पाए। इसलिए कहा कि नाम भले अलग अलग लिए हो, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, हरि कहा, देवों के देव कहा, कि जिसकी पूजा सभी देवताओं ने भी की, तो सर्वधर्म मान्य एक ही स्वरूप है। हर एक ने एक ही निराकार ज्योति स्वरूप के रूप में उसको दर्शाया है। तो सर्वधर्म मान्य एक ही है। आज जैसे कोई व्यक्ति को कोई चाचा कहे, मामा कहे, भाई कहे, पिताजी कहे, लेकिन स्वरूप तो एक ही होगा। ठीक इसी तरह ईश्वर को किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर का, प्रभु का, वाहे गुरु कहा, मालिक कहा, लेकिन स्वरूप तो एक ही है। दूसरी बात, सर्वोच्च शक्ति। तो शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का मतलब है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुआ है। उसको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता नहीं है, उसको जन्म देने वाला कोई माता पिता नहीं है। तभी भगवान ने गीता में कहा कि मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, मैं मनुष्य सदृश जन्म नहीं लेता हूं, अजन्मा हूं, अकाल मूरत हूं, काल मुझे खा नहीं सकता है, मैं कालों का काल, मां कालेश्वर। तो सर्वोच्च शक्ति। तीसरा, सभी चक्रों से पर है, न जन्म है न मृत्यु है, अव्यक्त स्वरूप, जिसको कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, इसलिए अव्यक्त, न देह है न देह के संबंध है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसको देह है, देह है तो कर्म करता है, लेकिन परमात्मा जब अजन्मा है, अव्यक्त है, तो अकर्ता है, और जब कर्म ही नहीं किया तो फल कहां से भोगेंगे, तो अकर्ता भोक्ता। जिसने कर्म किया, या तो वो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, तो पाप पुण्य के चक्र में भी हम आत्मा आते हैं, परमात्मा उस चक्र से भी परे हैं, और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिला या दुख मिला, परमात्मा दुख हरता सुख करता, इसलिए उसको हरि कहा। तो जो ये सभी चक्रों से पर है, जन्म मृत्यु, देह के संबंध, कर्म कर्म का फल, पाप पुण्य, सुख दुख, ये सभी चक्र से ऊपर है। लेकिन चौथी बात, पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है। ये तीन लकीर अर्थात जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, सर्वज्ञ। और जिसके पास पूरे
आदि मध्यंत का ज्ञान हो, पूरे कालचक्र का ज्ञान हो। और सत्य ज्ञान, इसीलिए उसको सत्यम कहा। दूसरा, ये तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात परमात्मा दिव्य चक्षु विधाता है, त्रिनेत्री है, जो मनुष्य को भी दिव्य ज्ञान के चक्षु देते हैं, जिससे हम उस ईश्वर को समझ सकते हैं। और उस दिव्य चक्षु से हम कल्याण का दर्शन कर सके, इसलिए उसको शिवम कहा। और उसकी पूजा में तीन पत्र का बेल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होना चाहिए। अर्थात वो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रचयिता है। और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम कहा, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी गायन हर धर्म में जरूर है। जिसको हिंदू धर्म में हमने ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में कहा, जो उस परमात्मा की रचना है, उसी को ही इस्लाम धर्म में जिब्राइल मिकाइल इसराफिल कहते हैं। जिब्राइल सबक देता है, ज्ञान देता है, मिकाइल रोजी रोटी देता है, यानी पालना देता है, पालना करता है, और इसराफिल कयामत लाता है, शंकर विनाश करता है। इसी को ही क्रिश्चियन धर्म में द थ्री होली स्पिरिट्स कहा गया है, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, जी ओ डी गॉड। इसलिए परमात्मा को कहते गॉड फादर, यानी फादर ऑफ जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। उसी को ही गुरु नानक देव ने कहा, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। तो ये तीन मूर्तियों का गायन भी हर धर्म में हमें देखने को मिलेगा। भावार्थ ये, क्योंकि परमात्मा की डायरेक्ट रचना, उस प्रकाश से ये तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई है, उनका भी उतना ही महत्व है। तब कहा, देवों का भी देव महादेव, तो तीन देवताओं से भी ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम। और पांचवी बात, सर्व गुणों में अनंत, सर्व शक्तिमान। कहा जाता है कि मां शारदा ने कहा, सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती ईश्वर की महिमा बैठकर लिखे, तो भी वो असमर्थ है, इतनी अपरंपार ईश्वर की महिमा है। अनंत, ज्योमेट्री के अंदर बिंदु की व्याख्या इन्फिनिट, अनंत। लेकिन बिंदु के बिना एक अक्षर भी नहीं लिखा जाता, बिंदु के बिना एक लकीर भी नहीं खींच सकते। और विज्ञान में सबसे सूक्ष्म अणु होता है, और गीता के आठवें अध्याय में भगवान ने यही कहा, मैं सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म। और कहा जाता अणु जितना सूक्ष्म होता उतना शक्तिशाली होता है। तो सर्वशक्तिमान है, तो सर्व गुणों में अनंत और सर्वशक्तिमान एक परमात्मा। तो ये था सर्व धर्मों के हिसाब से परमात्मा का सत्य परिचय। जैसे आत्मा के परिचय में पांच बातें देखी, ऐसे परमात्मा के परिचय के अंदर भी हमने ये पांचों बातें देखी, जिसका नाम है सदाशिव, यहोवा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, वाहेगुरु, सिद्ध शिलापति, चिंपुन सेकी, जो भी कहो, एक ही है वो स्वरूप, एक ही है।
नाम अलग अलग हो लेकिन दिव्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्योतिर्लिंगम, ज्योति बिंदु स्वरूप, निराकार लाइट, नूर, प्रकाश, अखंड ज्योति एक ही स्वरूप है, जिसकी क्वालिफिकेशन पांच बातें सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत सर्वशक्तिमान। उसका एड्रेस पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, जिसको कहा मोक्ष धाम, सचखंड, रूहानी दुनिया, सातवां आसमान, ये परमात्मा का दिव्य धाम है, जिसके लिए गीता में भी भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरा धाम परम धाम है, जहां सूर्य चंद्र सितारों की रोशनी उसको प्रकाशित नहीं करते हैं, लेकिन जो स्वयं प्रकाशमान है वो धाम मेरा धाम परम धाम है। ब्रह्म महतत्व है और परमात्मा का दिव्य कर्तव्य ब्रह्मा द्वारा सृजन, शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश और विष्णु द्वारा उस नई सृष्टि की पालना कराने वाला कौन? परमेश्वर। इसलिए परमात्मा को कहा जाता करण करावनहार है, लेकिन कराता है इन तीन मूर्तियों के द्वारा है। तो ये था परमात्मा का सत्य स्वरूप का परिचय। आज दिन तक हमारी एक शिकायत होती थी कि भगवान को याद करने बैठते लेकिन मन नहीं लगता है, मन भटक जाता है। क्यों भटकता था? क्योंकि पता ही नहीं था कहां लगाना है, किस स्वरूप में एकाग्र करना है। अब तो समझ में आया। अब तो अगर आपके घर में आपका बच्चा या आपका पोता आपसे पूछे कि ये सभी भगवानों का हेड कौन है, तो बता सकते हैं ना। तो अब थोड़ी देर के लिए हम सभी बैठेंगे उस परमात्मा के ध्यान में। ईश्वर से मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे बाहर धूप में खड़े हो जाओ तो सूर्य से मांगते नहीं है कि हे सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे, खड़े रहो उसके कांटेक्ट में आओ तो अपने आप वो ऊर्जा मिलने लगती है। समुद्र के पास खड़े रहकर समुद्र से मांगते नहीं है कि हे समुद्र तेरी शीतल हवा मुझे दे, खड़े रहो मिलेगी। ठीक इसी तरह हमें भी ईश्वर से मांगने की आवश्यकता नहीं। अपने ध्यान को एकाग्र करें, सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी सर्व शक्तियों की ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं। तो 2 मिनट हम सभी अपने ध्यान को बाह्य सभी बातों से हटाते हुए उस नूर, उस प्रकाश पर अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं। स्वयं को भी आत्मस्वरूप में देखते हैं, अंतरचक्षु से स्वयं को देखो, मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं। और धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ईश्वर के सानिध्य में ले चलते हैं और अंतर चक्षु से उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देख रही, जैसे मैं प्रकाश पुंज हूं वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप। कितना दिव्य स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है। पिता परमात्मा से सर्व शक्तियों की ऊर्जा को स्वयं में समाते जाओ।
और धीरे धीरे आत्मा परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से सशक्त हो रही है। धीरे धीरे अपने ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में स्थित करते हैं और स्वयं को सशक्त महसूस करते हैं। ओम